नमस्ते गाइस, आशीष ये पर नमस्ते डेक। और हमारे पास है ZenFone का मैक्स प्रो 2। ये फ़ोन हाल ही में लॉन्च हुआ इंडिया में और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ZenFone के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, जिसे कि पॉपुलरली FAQ के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका क्या हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है, इसका कैमरा कैसा है, कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन से फीचर्स नहीं हैं। तो आइए शुरू करते हैं इससे। तो स्टार्ट करते हैं हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन से। काफ़ी टाइम के बाद Asus ने एक ऐसा फ़ोन निकाला है जो कि इससे Redmi के फ़ोन के साथ कम्पीट करने में हेल्प करेगा, स्पेशली Redmi Note 6 के साथ। तो इस फोन में आपको मिलता है एक 6.26 इंच का स्क्रीन जो कि 19:9 के एस्पेक्ट रेशियो के साथ आता है, और आपको इसमें मिलता है एक FHD प्लस स्क्रीन और 2.5D का गोरिल्ला ग्लास 6। इसका मतलब इस डिस्प्ले में ऑलमोस्ट वो सब कुछ है जो आप इस प्राइस रेंज में एक्सपेक्ट करते हैं। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 660 जो कि एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है और वो क्लॉक्ड है 1.95 गीगाहर्ट्ज में। कुछ वेरिएशंस इसमें निकाले हैं Asus ने, तो आपको यहाँ पे मिलता है 3GB या 4GB का कॉम्बिनेशन और 32/64GB का ऑप्शन मिलता है विथ माइक्रो SD कार्ड का ऑप्शन के साथ। कैमरे की अगर बात करें तो आपको मिलता है 12 MP का रेयर कैमरा, जिसके खास बात यह है कि वो 1.25 माइक्रो सेंसर के साथ आता है। इसका मतलब लो लाइट में ये अच्छा काम करना चाहिए। उसके अलावा आपको f1.8 का अपर्चर मिलता है, PDF टेक्नोलॉजी इंक्लूडेड है। जो सेकंड एक और कैमरा है, इसका मतलब रियर में जो सेकंड कैमरा है वो है 5 MP का कैमरा जो कि डेप्थ सेंसिंग में काम करता है। रियर का जो कैमरा है वो 4K रिकॉर्डिंग भी कर सकता है। अब अगर फ्रंट के कैमरे की बात करते हैं तो आपको मिलता है 13 MP का f2.0 अपर्चर के साथ वाला कैमरा। इसका मतलब सेल्फी के लिए भी ये फ़ोन सही काम करना चाहिए। सबसे खास बात है इसमें फ्रंट में फ्लैश है। कनेक्टिविटी और सेंसर्स की बात करें तो सारे सेंसर्स हैं इसके अंदर। कनेक्टिविटी में आपको VoLTE, जियो के सिम चल जाएंगे आपके इसमें। उसके अलावा ब्लूटूथ और माइक्रो USB चार्जिंग मिलता है। जो इस फोन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो है इसका 5000 mAh का बैटरी। आपको एक बहुत बड़ा बैटरी मिल रहा है किसी साइज के फ़ोन में। हालांकि मेरी इनिशियल टेस्टिंग इंप्रेसिव नहीं है, प्रॉब्ली एक हफ्ते में पता चल जाएगा, बट आपको एक 5000 mAh बैटरी मिल रहा है जो कि होपफुली आपका 1.5 से 2 दिन आराम से निकाल सकता है। इस फोन में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, फेस अनलॉक मिलता है, बट एंड्रॉइड 8.1 के साथ आता है। अब बात करते हैं बाकी सब क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन, इसका बैटरी रिमूवेबल है कि नहीं है? तो रिमूवेबल नहीं है, आपको एक यूनिबॉडी डिजाइन के साथ मिलता है, बैटरी आप नहीं निकाल सकते हैं। सिम कार्ड और SD कार्ड की बात करें तो आपको यहाँ पे 2 नैनो सिम आप लगा सकते हैं और एक डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड मिलता है। इसका मतलब आप 32 या 64GB से आप आगे बढ़ सकते हैं और आपको 2 सिम यूज करने का पूरा ऑप्शन मिलता है। जो लोग कॉल रिकॉर्डिंग की सुविधा चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कोई भी नेटिव कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है। ये एंड्रॉइड 8.1 पे है और ऑलमोस्ट स्टॉक एंड्रॉयड रन करता है, और Asus ने इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं जिससे कि कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर इसमें इनेबल किया जा सके। हाँ, अगर आप रेडियो यूज़ करते हैं तो आपको एक सुन के खुशी होगी कि Asus के सारे फ़ोन्स की तरह इस फ़ोन में भी FM रेडियो अवेलेबल है। अब बात करते हैं VoLTE नेटवर्क और जियो सिम की। तो जैसा कि मैंने कहा था, इसमें VoLTE का सपोर्ट है, आप दोनों सिम यूज़ कर सकते हैं जियो के इसमें। उसके अलावा आप नेटिव वीडियो कॉल कर सकते हैं बिना कोई ऐप यूज़ किए हुए। हालांकि आप 2 VoLTE का सिम आराम से यूज़ कर सकते हैं, बट ये सुनने में आ रहा है कि एयरटेल का VoLTE का सपोर्ट अभी भी प्रॉपरली नहीं आया है। अब बात करते हैं आपको बॉक्स में क्या क्या मिलता है। तो आपको बॉक्स में फ़ोन के अलावा आपको एक सिम इजेक्टर मिलता है, उसके अलावा कुछ मैनुअल्स हैं, एक USB चार्जर हेड है और USB केबल है। जो USB चार्जर हेड है वो 10 वॉट का है, 5 वोल्ट या 2 एम्पेयर के हिसाब से। तो जो मेरा बैटरी चार्जिंग का एक्सपीरियंस अभी तक है वो मैंने देखा है कि 1 घंटे में ये करीब 75% तक चार्ज हो जाता है अगर मैं 10% से शुरू करता हूँ। इसका बैटरी का साइज बहुत बड़ा है, तो अगर मैं 70% कहता हूँ तो ये ऑलमोस्ट 3500 mAh है, जिसका मतलब आपका आराम से एक दिन निकल जाएगा इसमें। तो दोस्तों, ये था Asus के ZenFone Max Pro 2 के FAQ, जो पॉपुलर क्वेश्चंस आप जानना चाहते हैं। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस हमसे मिस हो गए हो, तो अगर ऐसा कुछ है जो आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उन क्वेश्चंस को छोड़ दें और हम आपको रिप्लाई करेंगे तुरंत। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पर, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें और शेयर करें हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ। देखने के लिए धन्यवाद।